हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी चल रहे हैं नवरात्रे, तो आप सब पर माता रानी की कृपा बनी रहे। तो स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग्स में। और आज ब्लॉग्स की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे करीब। तो फ्रेंड्स, आज मैं कर रही हूँ अपने फूल गमलों की, पौधों की, अपने आंगन की पूरी अच्छे से सफाई। और जैसे ही मैं सफाई करने के लिए तैयारी हुई थी, तो देखा बाहर गमले वाला आ गया, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़े से फूल भी खरीद लूँ, हाथों हाथ ये काम भी हो जाएगा। तो मैंने थोड़े गेंदे के फूल लिए हैं 5, जो अभी सीजन चलेगा अब गेंदा ही खिलेगा। और 5 मैंने छोटे छोटे गमले लिए, ज़्यादा महंगे नहीं पड़े मुझे। 20 रुपये का एक पौधा पड़ा है, यानी कि 100 रुपये के मैंने पौधे लिए और 100 रुपये के मैंने गमले ले लिए। वैसे तो मैं जुगाड़ करके ही गमले तैयार कर लेती हूँ, कम गमले खरीदती हूँ। कुछ मैं कोई टीन टान जो भी होता है उसी में पौधे लगा देती हूँ। जैसे अभी आप देख रहे हो, यह है स्कूटी का टायर। मेरी स्कूटी का टायर ख़राब हो गया था, तो हस्बैंड जी टायर मैकेनिक से लेके आ गए कि भाई इसमें मेरी वाइफ कुछ ना कुछ लगा देगी। तो आपको पता है कि मेरे पास तो हमेशा ऐसी चीज़ों में पौधे लगे होते हैं। 2 टायर मैंने पहले से लगा रखे हैं, तो ये 3रा टायर जो कि ख़राब हो गया था गाड़ी का, नया टायर लगाया तो पुराना जो टायर था ये घिस गया था, तो उसने कहा चेंज करना है। तो मैंने सोचा जब चेंज हो ही रहा है तो मैं इसको क्यों ना यूज़ कर लूँ। तो ये टायर में मैं लगा रही हूँ बिगोनिया। और मैंने आज बहुत सारी मिट्टी और खाद मेरी जैविक है, मैंने मिक्स करके रख दिया है यहाँ पर। तो मैंने सबसे पहले जो टायर है उसके नीचे मैंने एक प्लास्टिक लगाया है, जो आपका तिरपाल टाइप का होता है उसको लगाया। उसको मैंने हल्का सा छेद दे दिया जिससे पानी थोड़ा जो निकल जाए। और इसको मैंने नीचे से पूरा ढक दिया, तो उसके ऊपर मिट्टी को अटका दिया। अगर जैसे आपको पता है कि टायर में तो छेद होता है, अगर छेद से पानी तो मिट्टी तो नीचे आ जाएगी, तो नीचे मैंने उसको प्लास्टिक से कवर कर दिया था। उसके ऊपर मैंने मिट्टी और खाद डाल दी है। और ये मेरा पौधा है बिगोनिया का, इसको मैं कटिंग करके लगा रही हूँ जो मेरे पास पहले से था। तो मैं इसकी जितनी कटिंग हो इतना ज़्यादा फैलता है, तो मैंने एक गमले से काट के इसमें लगा रही हूँ। तो कुछ गमले जो खाली हैं उनमें भी मैं ये लगा दूँगी। तो आज का काम मेरा ये होना है, और इस काम में मुझे काफ़ी टाइम लगता है। तो घर का काम करने के बाद मैं लग चुकी थी इस काम में। तो देखिए टायर मेरा तैयार हो जाएगा, अब कुछ दिनों में बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। अभी तो थोड़ा मुरझाएगा पौधा, क्योंकि जब भी नया पौधा लगता है तो थोड़े दिनों मुरझाता है, बाद में वो सेट हो जाता है। तो अभी मैं ऊपर से इसमें मिट्टी डाल रही हूँ और इसको टाइट करके मैंने लगा दिया है, तो अच्छे से लग जाएगा। तो आप मेरे से थोड़ा बहुत गार्डनिंग भी सीख सकते हो, घर के काम तो मैं दिखाती रहती हूँ आपको, तो आप गार्डनिंग मेरे से सीख सकते हो, क्योंकि मैं गार्डनिंग अपनी तरफ से बहुत अच्छा करती हूँ, कोशिश करती हूँ। मुझे ये बहुत ज़्यादा शौक है प्लांट लगाना, पौधे लगाना, सब्जियाँ उगाना, तो ये भी मेरा एक शौक है। और मैं इसको कुछ जुगाड़ में भी कर लेती हूँ, जैसे कोई भी बेकार चीज़ पड़ी होती है, मेरे कप टूटते हैं तो मैं उसी में पौधा लगा देती हूँ, कोई भी बर्तन ख़राब होता है तो मैं उसको यूज कर लेती हूँ अपने गार्डन को सजाने में। और वो अच्छा भी लगता है गमलों से, अच्छा मुझे ऐसी बेकार पड़ी यूज में अच्छा। देखिए आप, अच्छा लग रहा है ना ये? तो अगर इसमें पेंट हो जाता तो ये और अच्छा लगता, लेकिन मेरे पास अभी पेंट नहीं था, तो मैंने अभी फ़िलहाल इसे ऐसे ही कर दिया। अगर पेंट लाऊँगी तो मैं इसको पेंट कर दूँगी गम अपने टायर में। तो ये कुछ दिनों में बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा। अभी ये थोड़ा सा अजीब सा होगा, लेकिन कुछ दिनों बाद ये सेट हो जाएगा, तब मैं आपको पूरी अपनी गार्डनिंग की वीडियो बनाऊंगी। तो देखिए ये गमले जो मैंने लिए थे, अब मैंने इनको भरनी है मिट्टी, जो मिट्टी मैंने अच्छे से सुखा दी थी, और इसमें मैंने खाद भी डाल दी, मिक्स कर दिया था। तो इन गमलों में बहुत सारे छेद है, तो मैं इसमें पत्थर नहीं डाल रही हूँ। वैसे मैं पत्थर डालती हूँ अगर एक छेद होता, तो छोटे छोटे छेद है तो मैं नहीं डाल रही हूँ। इसमें मिट्टी भरने के बाद मैं इनको मिट्टी को फिर मैं इसको टाइट से कर दूंगी मिट्टी को, फिर मैं जो पौधे लाई हूँ उनको लगाऊंगी, जो ये मेरे गेंदे के पौधे हैं ना तो उनको लगाऊंगी। तो ये मिट्टी हो रही है तैयार, और आज मुझे बहुत सारे गमले चेंज करने हैं, बहुत सारी कटिंग लगानी है। तो आज मेरा ये काम काफ़ी एक दिन भी चल सकता है, 2 दिन भी। और आज मैं आपको 2 दिन का ब्लॉग्स बना के दिखाऊँगी एक साथ, तो आप देखते रहिए मैं कैसे कैसे काम करती हूँ। तो ये मेरे है जेनिनियम की कटिंग, तो ये भी सर्दियों में बहुत अच्छा खिलता है। आपने देखा होगा पिछली वीडियो में, पिछले साल की वीडियो मेरी, उनमें फूल बहुत ही ज़्यादा शानदार लगते हैं और बहुत कलर में आते हैं ये। मेरे पास तो 3 कलर थे, रानी कलर, पिंक कलर, वाइट कलर और रेड कलर। तो अब तो मुझे पता नहीं, बरसात में बहुत मुश्किल होता है इनको बचाना, तो मैंने काफ़ी कोशिश की थी तो थोड़े बहुत बचा पाई, और जो बचा पाई हूँ उनकी मैं कटिंग करके दूसरे गमलों में लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ गेंदा, जो मैंने अभी अभी लिया है। तो फूलों के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, फूल मुझे ले ही लेती हूँ, मतलब इतने महंगे भी नहीं लेती हूँ, पर ये कि अगर सीजन आता तो सीजन में भी फूल भी मैं ले लेती हूँ। कुछ तो मेरे गार्डन में खुद ही उग जाते हैं, इतनी दिक्कत नहीं होती है मुझे। तो अब बच चुके हैं शाम के 5, और मुझे करनी है अब इधर की सफाई। और मैंने अपने पौधों में पानी नहीं डाला, तो ये सूखे सूखे से हो रहे हैं,
और देखिए मेरी कितनी काई लग रही है, मैं इसकी भी पूरी सफाई करूँगी। और ये फरस फरस सब साफ़ करना है मुझे आज, और यहाँ के गमले भी मैं सारे एक्साइड करके सफाई करूँगी। तो गाइस देखिए इतने गमले मैंने अभी एक्साइड कर दिए सारे के सारे, और इस साइड को मुझे पूरी सफाई करनी है पहले, क्योंकि यहाँ पर हो रखी है बहुत काई। आप देख सकते हो बरसात में कितनी काई लग जाती है, और मेरी सांस फूल रही है क्योंकि मुझे उठा के रखने पड़े इतने भारी भारी गमले। अभी मुझे पूरा ये भी उठाने हैं, फिर मैं करूँगी अपने बरामदे की। इनको इन सारे गमले को भी मुझे पहले बाहर रखना है, क्योंकि मैंने आज इनमें खाद भी डाली थी, तो यहाँ पे सारी मिट्टी मिट्टी और खाद हो रखी है। तो ये भी उठाने हैं सारे, सबको एक साइड करना है और सारी जगह की सफाई करनी है। और ये काम मेरा एक दिन का नहीं है, ये मेरा चलेगा 2-3 दिन। तो मैं पूरी वीडियो आपको बना के दिखाऊँगी। ये सारे गमले हैं जिनकी मुझे नीचे सफाई करनी है, करती हूँ मैं अपने काम। तो गमले एक साइड हो चुके थे, तो मैं लग चुकी थी सफाई करने में। पहले मैंने इसमें डाल दिया था ब्लीचिंग पाउडर, और फिर मैंने डाला था पानी, क्योंकि काई थोड़ी सी हल्की हो जाए, रगड़ने में दिक्कत ना हो। और ये मेरे कपड़े धोने का ब्रूस है, तो मुझे अभी इसको यूज़ करना पड़ रहा है यहाँ पर। और मैंने थोड़ी सरफ डाली है पानी के साथ, और ज़मीन में मतलब पूरा फैला दिया था, तो मुझे यहाँ से बहुत सारी काई लग गई, जो मुझे पूरी रगड़ रगड़ के निकालनी है। तो दीवारों में भी बहुत काई लगी, तो वहाँ पर भी निकालनी है। तो मैं लग चुकी हूँ इसकी रगड़ाई करने में, घिस घिस के करना पड़ रहा है। तो देखिए दीवार में कितनी काई लग गई है, यहाँ पे भी मुझे रगड़ना पड़ रहा है। और अभी पुताई तो हम नहीं करा पा रहे, तो ये काम मुझे खुद ही करना पड़ेगा। तो अब मैं आ चुकी हूँ अपने गेट के सामने वाले साइड में, जो इस गमलों को भी मैंने एक साइड कर दिया है। अब मैं इनकी सफाई करूँगी यहाँ पर। तो देखिए गाइस मैंने सारे गमले सेट कर दिए हैं दोबारा से अच्छे से, कटिंग भी लग चुकी है, और मैंने यहाँ सफाई भी कर दी है पूरी। तो इन गमलों को मैंने सेट कर दिया है, तो काफ़ी टाइम लगा इनकी सफाई करने में, और देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना देखने में। और मेरे पास जो भी घर में मतलब सजावट की चीज़ ख़राब हो जाती है, टूट जाती है, उनको भी मैं अपने पौधों में लगा देती हूँ। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक गुड्डा सा है, और देखिए सब सेट हो गए। ये सब कटिंग से लगाई है मैंने कलर पत्तियाँ। लग रहे हैं ना खूबसूरत, देखिए कोई भी चीज़ ख़राब होती है घर के अंदर, वो मैं बाहर पौधों में लगा देती हूँ, और इससे पौधे और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो आप भी कर सकते हैं ऐसे। देखिए बूथे का हाथ टूट, एक हाथ टूट गया, तो मैंने इसे अपने गमलों में लगा दिया। ये काम भी ज़रूरी होता है बरसात के बाद करना, क्योंकि कपड़ों में स्मेल आ जाती है, तो इसको सब कपड़ों को धूप लगाना भी ज़रूरी होता है। तो मैं आज मैंने भी कर लिया है। तो मैं आ चुकी थी नहा धो के अपने छत में, और आज मेरे कपड़े भी बहुत ज़्यादा थे, तो मैं आज छत में ही डाल रही हूँ कपड़े। वैसे जब कम होते हैं तो मैं नीचे डालती हूँ। ये मेरे धुले कपड़े हैं, ये मेरे यूज के कपड़े हैं, ये सुखाने के लिए, वैसे सुखाने नहीं लाई हूँ मैं। तो ये जो हमारे नहाने धोने के कपड़े थे उनको धोए हैं मैंने, और मैं आ चुकी हूँ छत में। और मौसम को देख के लग रहा है कि मौसम अभी फ़िलहाल तो धूप है, और हवा भी चल रही है अच्छी अच्छी। तो अभी बच चुके हैं दिन के एक, तो दिन के 1 बजे मेरे कपड़े डाले जा रहे हैं, क्योंकि मेरा काम कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है। तो यहाँ पे मेरे सारे कपड़े सूख जाएंगे, और एक तरफ मेरे जो बिस्तर डले हुए हैं वो भी सूख रहे हैं। बिस्तर हो गया, जो कुछ कपड़े ऐसे हैं जो हम यूज भी नहीं करते हैं, जो मैंने आज अपने बेड से निकाले। तो फ्रेंड्स मैं आ चुकी थी अपने जो बिस्तर है मेरे, रजाइयाँ हैं, कंबल है, इन सबको मुझे दूसरी साइड पलटना था। एक साइड से तो धूप लग चुकी थी, अब इनको मैं पलट रही थी दूसरी साइड से। तो फ्रेंड्स डाल तो दिए हैं मैंने बिस्तर, बस डर लग रहा है कि मौसम ठीक रहे आज,
और मेरा अच्छे से सूख जाए, इनमें धूप लग जाए अच्छे से। और ये सर्दियों के रजाई कम्बल है जो सर्दियों में निकाले जाएंगे, लेकिन अंदर अंदर थोड़ी स्मेल आ जाती है इनमें, वैसे तो कपूर डाल के रखती हूँ मैं। फ्रेंड्स ये वैसे काम है जो किसी को दिखते नहीं है, लगता नहीं कि हमने कुछ किया है, लेकिन ये काम हमारे लिए बहुत भारी होते हैं। बहुत दिनों से सोच रही थी कि करना है करना है, तो आज हिम्मत कर ही ली है ये काम करने की, तो आज ये भी सूख जाएंगे अच्छे से। हम कभी कभी जो काम करने आते हैं मजदूर उनको देते हैं, पर वो भी वही ले जाते जो उनमें आती है, अगर नहीं आती तो नहीं ले जाते। ये सारी पैंटें हैं जो पहनने लायक नहीं है, लेकिन मुझे संभालनी पड़ती है, ऐसे मैं फेंक भी नहीं सकती हूँ। और आज मैंने कंबल कुंबल सब निकाल दिए, बस डर इस बात का है कि बारिश ना आए बस, क्योंकि मैंने निकाल तो दिया सब कुछ, पर संभालने के लिए मेरे को बहुत टाइम लगेगा। और मैं हूँ घर में अकेली, और डाले मैंने सब अकेले, और अभी यही नहीं, अभी मैं नीचे भी है मेरे डाले हुए, क्योंकि अभी यहाँ पर इतनी जगह थी, इतना मैंने रख दिया, बाकी मैंने नीचे डाले हैं। अब नीचे चलेंगे हम, और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये मेरी शादी का दुपट्टा है जो मैंने अब दुल्हन बन के पहना था, और बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, करवा चौथ में मिलता ही नहीं था, आज ये भी मिल गया। देखिए इस करवा चौथ में पहनूंगी इसको, और मौसम देखिए हाँ, बादल लग रहे हैं, बादल भी आ गए, तो मेरा क्या होगा अगर बारिश आएगी। बस आज बारिश ना आए, क्योंकि बहुत कपड़े फैला दिए। चलो कपड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन कम्बल रजाई सब डले हैं मेरे आज, आज इनको सुखाना भी ज़रूरी था। धूप लगा के इन सबको मैं दीवान के अंदर डाल दूँगी। देखिए अब चलते हैं नीचे। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने गद्दा गुद्दा सब डाले, क्योंकि दीवान के कपड़े डालने थे, ये सब बाहर डाल रखे हो, कुछ सर्दियों के कपड़े हैं, ये देखिए सब बाहर डाले हुए हैं मेरे। बस आज बारिश ना आए, क्योंकि जब बेटा आ जाएगा थोड़ी मदद तो वो भी कर लेगा मेरे साथ रखने में। देखिए आज सब फैला रखा, आज धनिया भी सुखाना था जो कि मुझे पिसाना है, इसमें मैंने सब कुछ डाल दिया है, इलायची डाली है, लौंग डाली है, बड़ी इलायची डाली है, यहाँ पे सूख रही है मेरी मिर्चें, तो आज मुझे डर है कि बस बारिश ना आए। तो फ्रेंड्स बच चुके हैं श्याम के 5, और बेटे ने मेरी हेल्प कर दी है, सारे गद्दे ले आए अंदर फटाफट, और उसने यहीं पर डाल दिए, क्योंकि अंदर तो बिल्कुल जगह नहीं जिस रूम में मुझे रखने हैं। तो ये है रूम जहाँ पे मुझे रखने हैं, ये मेरा बेड जो खाली हो गया, मैंने सबसे पहले इसमें चुन्नी बिछा दी थी नीचे, और ये सब मुझे अभी इसी बेड के अंदर डालने हैं। अभी मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि इस बेड के अंदर इतने मेरे आ जाएंगे, तो मैं इनको तई लगा के रखूँगी अच्छे से। तो करती हूँ मैं इनकी तैयारी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने चारों तरफ मैंने कपूर डाला है, एक एक मतलब जो गोलियां टाइप की होती है कपूर की, चारों तरफ डाल दिया, कपूर भी डालती हूँ मैं, और बीच बीच में भी मैं कपूर रखूँगी। और मैंने सबसे पहले डाली थी कॉकरोच की दवाई किनारे किनारे कोने में, क्योंकि आपको पता है रजनी इनमें तो कॉकरोच हो ही जाते हैं अंदर, तो मैंने कॉकरोच की दवाई भी डाल दी, तो मेरे यहाँ ऐसे कॉकरोच होते नहीं हैं। तो मैं इन सब रजाइयों को रख रही हूँ जहाँ जहाँ पर उनकी जगह बना रही हूँ, तो सबको तई लगा के रखूँ। इसके बाद ये थे कपड़े, तो इनकी भी मैं तई लगा के रख दूँगी। ये जो पेंटें हैं काम की तो नहीं है, लेकिन फेंक भी नहीं सकती, अब रखनी ही पड़ती है, कभी किसी के काम आ जाएगी तो मैं सबको रखना ही पड़ता है मुझे संभाल के, कभी कोई लेबर आ जाए काम करने तो उनको दे देते हैं हम, तो मैं इनकी तई लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करूँगी, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है। तो थैंक यू, बाय बाय, जय माता दी, राधे राधे।